वंदे मातरम मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज की वीडियो। मित्रों, बहुत ध्यान से आपने इसे सुनना है और देखना है। मैंने बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है इसे, और मैं ये आशा करता हूं मित्रों, यदि आपने इसे ध्यान से सुना और देखा तो आप राशि को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे और राशि पर आपकी बहुत सुंदर पकड़ होगी। साथ ही आपको ज्योतिष पर बहुत सूक्ष्म रूप से पकड़ हो जाएगी, अगर आपने जो मैं आज आपको बताने वाला हूं उसे आपने ध्यान से देखा और समझा। मित्रों, हमारे महान ऋषियों ने, ज्योतिष के महान ऋषियों ने हमें ज्योतिष में 12 राशियां दी। जैसा कि आपको पता है, और 27 नक्षत्र हमें दिए। तो मित्रों, मैं यहां आज एक बात करूंगा कि मिथुन राशि का निर्माण कैसे हुआ। जैसा कि मैंने पीछे के दो वीडियो में आपको बताया है, मेष राशि का निर्माण और वृषभ राशि का निर्माण, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा मिथुन राशि का निर्माण। मित्रों, हमारे ज्योतिष के महर्षियों ने जो किया वो किस प्रकार से किया, तो जैसा कि मित्रों आप अपने सामने बोर्ड को देख रहे हैं, सबसे पहले आप बोर्ड पर देखें ध्यान से, तो मैंने लिख रखा है कि 60 कला बराबर 1 अंश। जी हां मित्रों, इसे हमने ध्यान से समझ लेना है, 60 कला बराबर 1 अंश और 30 अंश बराबर 1 राशि। तो हमने मोटे तौर पर यह जान लिया कि एक राशि में 30 अंश होते हैं। अब मित्रों, जो हमारे ऋषियों ने राशि का निर्माण किया है, तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं मिथुन राशि का निर्माण, मिथुन राशि के निर्माण में 3 नक्षत्र शामिल हैं, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र। अब मित्रों, मैं यहां एक बात बता दूं, इसे आपने ध्यान से समझ लेना है कि एक नक्षत्र को हमारे ज्योतिष के महर्षियों ने 4 चरणों में बांटा हुआ है। जी हां मित्रों, एक नक्षत्र को 4 चरणों में बांटा और एक चरण का मान 3 अंश 20 कला। जी हां मित्रों, एक चरण का मान 3 अंश 20 कला हमें बताया है, और 4 चरण एक नक्षत्र में कुल हमें उन्होंने दिए हैं हमारे ज्योतिष के महर्षियों ने। तो कुल 4 चरणों का जो योग है वो 13 अंश 20 कला होता है। मित्रों, पहले हमने अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं मित्रों कि हर नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक चरण का मान हमें हमारे ज्योतिष के महर्षियों ने 3 अंश 20 कला दिया है, और एक नक्षत्र में चूंकि 4 चरण बताए हैं उन्होंने हमें, तो चारों चरणों का कुल मान 13 अंश 20 कला
अब हम आगे बढ़े मित्रों। मिथुन राशि का जो निर्माण हुआ है मित्रों, उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा है कि मृगशिरा नक्षत्र के शेष दो चरण। मृगशिरा नक्षत्र में मित्रों, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हर नक्षत्र में चार चरण होते हैं, तो पहले के जो दो चरण है मित्रों वो वृषभ राशि में आ चुके हैं। जैसा कि आपने वृषभ राशि का निर्माण आपने इसके पहले के वीडियो में देखा होगा, तो मृगशिरा नक्षत्र के शेष बचे हुए जो दो चरण हैं नक्षत्र के, वो मिथुन राशि में मित्रों आ गए। तो दो चरणों का मान आप सामने देख रहे हैं बोर्ड पर मित्रों, चूंकि एक चरण का मान 3 अंश 20 कला है, तो दो चरणों का मान 6 अंश 40 कला। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, आद्रा नक्षत्र के चारों चरण, एक नक्षत्र में चार चरण होते हैं, तो मिथुन राशि के निर्माण में आद्रा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, तो चारों चरण का मान 13 अंश 20 कला। और अगला नक्षत्र मित्रों मिथुन राशि के निर्माण में जो है वो है पुनर्वसु नक्षत्र, तो पुनर्वसु नक्षत्र में चार चरण, तो उसके 3 चरण यहां आएंगे जिसका मान 10 अंश है। मित्रों एक चीज आप यहां नोटिस करें बहुत ध्यान से, मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम दो चरण, आद्रा नक्षत्र के पूरे 4 चरण लिए, और पुनर्वसु नक्षत्र के 4 में से पहले 3 चरण इसमें आते हैं मिथुन राशि में, कुल 9 चरण। सबसे महत्वपूर्ण बात मित्रों यहां नोटिस हमने ये करनी है और नोट करनी है कि हर एक राशि को हमारे ज्योतिष के महर्षियों ने 9 नक्षत्रों के 9 चरण दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक राशि को हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने 9 नक्षत्रों के 9 चरण दिए हुए हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं लिखा हुआ है कुल 9 चरण। तो पहला मृगशिरा नक्षत्र के बचे हुए 2 चरण, क्योंकि पहले 2 चरण हमारे वृषभ राशि में आ गए हैं। आद्रा नक्षत्र में 4 चरण आ गए हैं मिथुन राशि में। पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण जो हैं मित्रों वो मिथुन राशि में आ गए, तो 3 चरण का योग 10 अंश है। अब मित्रों इसका टोटल हमने किया तो आया 30 अंश। और एक और बात हमने मित्रों बहुत ध्यान से नोट करने वाली है कि प्रत्येक राशि को हमारे ऋषियों ने 30 अंश दिए हैं, प्रत्येक राशि को 30 अंश दिए हैं, और प्रत्येक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं। इस चीज को बहुत अच्छी तरह हमने आत्मसात कर लेना है ध्यान से कि प्रत्येक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं और प्रत्येक राशि 30 अंशों की होती है। तो हमें ये पता लग गया कि मिथुन राशि का जो निर्माण हुआ उसमें नक्षत्रों के कौन कौन से चरण आए। अब हम थोड़ा मित्रों आगे बढ़ते हैं कि मिथुन राशि में नक्षत्रों का पता लग गया हमें, अब कौन कौन से अक्षर हैं कि जो हमें मिथुन राशि के अंतर्गत हमें ऋषियों ने दिए हैं। तो ऐसा मित्रों ऋषियों ने हमारे ज्योतिष के महान ऋषियों ने नक्षत्रों को 4 चरणों में बांटा, उसी समय उन्होंने नक्षत्रों के 4 चरणों के 4 अक्षर भी उन्होंने हमें दिए। जी हाँ मित्रों, हमें उन्होंने नक्षत्रों के 4 चरणों के 4 अक्षर भी दिए, जैसा कि आप सामने बोर्ड में देख रहे हैं। और
चूंकि हर राशि में कुल नक्षत्र के 9 चरण होते हैं, तो प्रत्येक राशि में 9 अक्षर हमें मिलते हैं, क्योंकि नक्षत्रों के 9 चरण हैं, तो हर एक चरण का एक अक्षर हमें यहां मिलता है। जैसा आप सामने देख रहे हैं मित्रों कि मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरण जो मिले हैं हमें, उनका जो अक्षर है, चरणाक्षर है, वो क और की, ये मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़े मित्रों, तो आद्रा नक्षत्र के जो चारों चरणाक्षर हैं, वो चूंकि चारों चरण मिथुन राशि में आए, तो चारों जो अक्षर हैं वो मिथुन राशि में आ गए, कु घ अंग और छ, ये चारों के चारों चरणाक्षर मिथुन राशि के अंतर्गत आ गए। मित्रों आगे बढ़ें, पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण जो हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 3 चरण हमारे मिथुन राशि में आते हैं, तो 3 चरणों का जो चरणाक्षर है के को और ह, ये मिथुन राशि में आ गया। अब मित्रों ध्यान से आप देखें बोर्ड पर, तो आपको नजर आ रहा है कि कुल 9 अक्षर जो हैं वो मिथुन राशि को मिले, तो ये 9 अक्षर मित्रों हमें नक्षत्रों के चरण, 9 चरण मिथुन राशि में हैं, तो 9 अक्षर हमें मिथुन राशि के अक्षर में 9 मिले। तो इस चीज को हम अच्छी तरह समझ चुके हैं कि हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर ढंग से इस विद्या को हमारे सामने हमारे लिए बनाया। मित्रों इस राशि के निर्माण और राशि में कौन से अक्षर आते हैं और कितने अंश, कितनी कला, यानी किस नक्षत्र के कितने चरण मिथुन राशि में आते हैं, इस चीज को अगर हम अच्छी तरह भली भांति समझ जाएं मित्रों, तो फिर हमें मिथुन राशि के व्यक्तित्व को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मित्रों एक बात यहां मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि मैंने 27 नक्षत्रों पर वीडियो डाल रखी है अपने इस चैनल पर, आप उसे जरूर देखें, और जब उसे आप देखेंगे तो उसमें मृगशिरा नक्षत्र का वीडियो भी है, आद्रा का भी है, पुनर्वसु नक्षत्र का भी है, तो आपको पता लगेगा कि इन तीनों नक्षत्रों के गुण और दोष मिथुन राशि में, आद्रा नक्षत्र के चारों चरण हैं, तो आद्रा नक्षत्र का जो पूरा गुण और दोष है वो मिथुन राशि में आया हुआ है, पुनर्वसु नक्षत्र के पहले 3 चरण हैं, तो 3 चरण होने का मतलब हम आप समझ जाएं कि पुनर्वसु नक्षत्र के काफी गुण और दोष मिथुन राशि में हैं, और मृगशिरा नक्षत्र के 2 चरण, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं मित्रों, तो यहां 2 चरण, तो हमें किसी राशि को समझना बहुत ज्यादा मित्रों आसान हो जाता है यदि हम ये जान जाते हैं कि राशि के निर्माण में किस किस नक्षत्र के कितने कितने चरण शामिल हैं, तो हम उस राशि को बहुत अच्छी तरह से उसके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो एक बात मैं फिर यहां दोबारा कहूंगा मित्रों कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आपने नक्षत्रों पर बनी हुई मेरी वीडियो को अवश्य देखना है, और उसको एक बार देख लें, और फिर आप इस वीडियो को अगर देखते हैं तो आपको राशियों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें, इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए
वंदे मातरम।